भारत का कुछ ऐसा मेगा प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन जो भारत की तस्वीर को बदल कर रख देंगे। आज के समय में कुछ ना कुछ हमारे इंडिया में नए कारनामे होते रहते हैं और हमारी टेक्नोलॉजी द्वारा हमें बहुत सी सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाती हैं। हम आपको इंडिया में आने वाली एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे जिसे देखकर शायद आप यकीन नहीं करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों, आपको पता ही है कि दुनिया के बहुत सारे देश तरक्की की राह पर पहुंचकर नाम और शोहरत कमा रहे हैं। ऐसे कमाल के आविष्कार और टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है कि हमारे काम पलक झपकते ही हो जाते हैं। इन्हीं सब आविष्कारों के चलते हमारा भारत पहुंच चुका है मोनोरेल प्रोजेक्ट तक। मोनोरेल ऐसी ट्रेन है जो कि रेलवे लाइन पर नहीं बल्कि एक बीम के सहारे चलती है और इसके सारे कोच इसी बीम से जुड़े होते हैं। इसका पार्ट सड़क मार्ग से लगभग 10 फीट या इससे भी अधिक ऊंचाई पर बनाया जाता है जिससे कि यात्रियों को ट्रैफिक से निजात मिलती है, साथ ही यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखा जाता है। इसमें सफर के दौरान दुर्घटना की संभावना भी नहीं रहती। इसकी रफ्तार भी अन्य ट्रेनों और बसों से तेज होती है। उल्टी ट्रेन को लेकर आप ये न सोचें कि लोग भी इसमें उल्टे लटककर यात्रा करते हैं। ट्रेन भले ही पटरी से लटककर चलती है लेकिन लोगों के बैठने के लिए आम ट्रेनों जैसी ही व्यवस्था है, यानी इसमें लोग आराम से सीधे बैठकर यात्रा करते हैं। बिजली से चलने वाली यह ट्रेन जमीन से 39 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। भारत की पहली मोनोरेल सेवा महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई में शुरू हुई थी। मुंबई मोनोरेल दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी मोनोरेल प्रणाली है। 19.54 किलोमीटर लाइन में सतगान के महाराज चौक के माध्यम से 17 स्टेशन और ट्रेवर्स हैं जिन्हें जैकब सर्कल वाडाला चेंबूर भी कहा जाता है। मुंबई मोनोरेल भारतीय महानगर मुंबई आधारित मोनोरेल निकाय है जो नगर में सार्वजनिक परिवहन के विस्तार के लिए बनाया गया है। यह परियोजना मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम मोनोरेल परियोजना है। इससे पूर्व कुंडाला वैली रेलवे और पटियाला स्टेट मोनोरेल ट्रेनवे 1720 में बंद हो गए थे। इसका निर्माण कार्य जनवरी 2009 में आरंभ हुआ और इसका प्रथम परिचालन रेखा का उद्घाटन 1 फरवरी 2014 को हुआ। लेकिन दोस्तों, इतनी सब खूबियां होने के बावजूद भी मुंबई में मोनोरेल सक्सेस नहीं हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इमरजेंसी के कंडीशन में पैसेंजर को किसी भी तरह बाहर नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि यह पतले बीम के ऊपर लगभग 15 से 30 मीटर की ऊंचाई पर चलती है जिसमें से लोग सिर्फ स्टेशन पर रुकने के बाद ही बाहर निकल सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि स्पीड में होने के कारण इसमें ट्रैक चेंज करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो दुनिया की पहली मोनोरेल 1820 में रूस के इवान इल्मानोव के द्वारा बेहतर यातायात के लिए विकल्प के तौर पर बनाई गई थी, जिसके बाद 1821 में इसका पहला ट्रायल दक्षिणी लंदन के डटफोर्ड डायकार्ड के हार्डफोर्डशायर से रिवल्ली तक किया गया था। इसके बाद 1900 में गायरो मोनोरेल का परीक्षण किया गया। 1901 में इसका लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच प्रयोग भी किया गया। 1910 में गायरो मोनोरेल का प्रयोग अलास्का की खानों में कुछ समय तक किया गया। 1980 के बाद शहरीकरण के बढ़ने के साथ साथ ही जापान और मलेशिया में इसका बेहतर इस्तेमाल किया गया। आज टोक्यो मोनोरेल विश्व का सबसे व्यस्त नेटवर्क है जिसका प्रयोग हर रोज 1,27,000 यात्री करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे भारत को बेहतर बनाने के साथ साथ आपको बेहतर परिवहन की सुविधा भी देगी। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।